नमस्कार दोस्तों, सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही बड़ी खबर सामने आ रही है। इस समय रबी की फसल जोरों शोरों से कट रही है और दोस्तों अनाज मंडी में अनाज की आवक लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में दोस्तों आपको जानना होगा कि इस समय गेहूं, सरसों, चना क्या भाव बिक रहा है और आपको किस समय अनाज मंडी में ले जाना है ताकि आपको आपके अनाज का अच्छा दाम मिल सके। तो बता दें कि आज राजस्थान के अंदर गेहूं की बात करें तो आज 2400 रुपये से लेकर 2600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से राजस्थान के अंदर गेहूं बिक रहा है। ऑल ओवर राजस्थान की बात करें तो 2400 रुपये से लेकर 2600 रुपये क्विंटल के हिसाब से गेहूं राजस्थान के अंदर बिका है। वहीं हरियाणा सरकार ने भी सरकारी खरीद शुरू कर दी है। राज्य में सरसों की खरीद 26 मार्च से शुरू है, जबकि गेहूं और चने की जो खरीद है आज यानी 1 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। और बता दें कि हरियाणा सरकार ने जो सरसों का सरकारी भाव है वो 5650 रुपये, जबकि दोस्तों गेहूं का 2275 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बताया है। इस हिसाब से सरकार किसानों से अनाज खरीदने वाली है। वहीं दोस्तों बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश के अंदर 2410 रुपये से लेकर 2550 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं बिक रहा है। वहीं दोस्तों बाजरे की बात करें तो बाजरा भी 2300 रुपये से लेकर 2450 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है, यानी कि अलग अलग मंडियों में ये अलग अलग भाव। वहीं उत्तर प्रदेश के अंदर गेहूं के भाव की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर 2450 रुपये से लेकर 2580 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं बिक रहा है। लेकिन बता दें कि इस समय मंडियों में गेहूं की आवक कम हो रही है, इसलिए आपको अच्छे दाम हैं। और बता दें कि आने वाले 3 से 4 दिन के भीतर जबरदस्त अत्यंत भयानक बारिश भी उत्तर भारत के अंदर होने वाली है। ऐसे में किसानों की चिंता बढ़ी हुई है कि हम जल्दी से जल्दी अपनी फसल समेट ले, क्योंकि अगर ज़्यादा बारिश और ओले गिरे तो फसलों को सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। कटी हुई फसल हो या दोस्तों खेत में खड़ी हुई फसल, दोनों को ही नुकसान होगा और आपको उसके दाम भी कम मिलने वाले हैं। जैसे जैसे मंडियों में आवक तेज होगी यानी कि किसान अपनी फसल को मंडियों में लाएगा, वैसे वैसे दाम कम भी हो सकते हैं। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। ऑल ओवर भारत की बात करें तो भारत की सभी मंडियों में गेहूं 2400 रुपये से लेकर 2600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है। कहीं पर 2400 तो कहीं पर 2410, कहीं पर 2450 तो कहीं पर 2550। जैसा अच्छा बुरा आपका अनाज है उसी हिसाब से आपको दाम भी मिल रहा है। वहीं राजस्थान सरकार ने भी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर सरसों और चने की खरीद शुरू कर दी है। राजस्थान में सरसों की सरकारी खरीद 5440 रुपये प्रति क्विंटल है, जबकि चने की सरकारी खरीद 5650 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बताई जा रही है। तो दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपके आसपास मंडियों में अनाज क्या भाव बिक रहा है कमेंट में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब।